हेलो गाइस, मैं तिरन्नुम साकिब आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली शाही टुकड़ा, जो देखने में भी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और बनाना तो इजी, इतना आसान है कि आप हफ्ते में 2 बार तो बना ही लेंगे, या आपके घर कोई भी गेस्ट आएगा तो बना लेंगे। बहुत ही आसान है, देखें ये कितनी आसान तरीके से कट भी रहा है, आप देख सकते हैं। अब बहुत ही टेस्टी है, आपको देखने में भी बेहतरीन सा नज़र आ रहा होगा। तो फुल वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, और चलें बनाते हैं शाही टुकड़ा। बनाने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल ब्रेड, जो हम डेली यूज़ करते हैं वही ब्रेड है, कोई इसके लिए मैं अलग से कोई ब्रेड नहीं ली हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ चाशनी के लिए, रसगुल्ले का जो चाशनी होती है, जो रसगुल्ला आता है हमारे घर, चाशनी बच जाती है तो मैं स्टोर करके रखे रहती हूँ, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ। मैं यहाँ कोई चीनी से चाशनी नहीं बनाऊँगी। और यहाँ मैं ली हूँ कस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ है काजू और बादाम जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग कर ली हूँ, ये है टूटी फूटी। ये बहुत ईजी तरीका है बनाने का और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। हमारे किचन में जो सामान बचता है उसी से ये बनने वाला है, मैंने मार्केट से कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिया है। और ये दूध है, ये दूध भी मैंने मार्केट से नहीं मंगाई हूँ, जो हमारे घर दूध आता है वो दूध बच गया था, तो मैं उसकी रबड़ी बना रही हूँ। तो सारी चीज़ें हमारे किचन में रखी हुई है, तो जो रबड़ी भी मैं बना रही हूँ वो भी बहुत ईजी तरीके से रबड़ी बनने वाली है। तो कभी कभी गाइस हम किसी चीज़ के लिए सोचते हैं कि ये चीज़ लाएंगे तो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप माइंड लगाइए, आपके किचन में जो चीज़ें होती हैं उससे भी आप बहुत ही अच्छा टेस्टी बेहतरीन चीज़ें बनाकर खा सकती हैं। तो ये दूध भी 250 ग्राम है, ज़्यादा दूध नहीं है। तो 250 ग्राम में आप सोचेंगे कि रबड़ी कितनी बनेगी, तो मैं उसका भी तरीका आपको बता रही हूँ। फुल वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो यहाँ जो दूध है हमारा वो बिल्कुल बॉयल हो चुका है, खौल चुका है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 ब्रेड को, मैंने बिल्कुल बारीक सा कर ली हूँ, और इसे यहाँ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। यहाँ फ्लेम को हाई रखेंगे और यहाँ चीनी भी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ 2 टीस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए बिल्कुल गाढ़ा कर देंगे। तो ये रबड़ी बनाने का सबसे आसान तरीका है। जब तक हमारी रबड़ी बन रही है तब तक कुछ और कर लेते हैं, तब तक यहाँ ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो आपको ब्रेड की कटिंग कर लेनी है, ये साइड जो है इसे निकाल देना है, साइड से निकाल कर आपको इसी तरह रखना है, तो आप इस तरह भी रखें और आपको यहाँ से कटिंग करना है, तो मैं यहाँ से तिरछे में कटिंग कर दूँगी। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है, तो सारे ब्रेड को मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ मैंने जितना मुझे ब्रेड चाहिए था शाही टुकड़ा के लिए मैंने कटिंग कर ली हूँ, और यहाँ हमारी रबड़ी भी बिल्कुल रेडी है। तो देखें यहाँ कर देंगे फ्लेम को ऑफ, तो आप देख सकते हैं रबड़ी भी बनने में टाइम नहीं लगा। तो यहाँ डालेंगे 2 बूंद वनीला एसेंस, इससे क्या है अच्छी फ्लेवर आएगी, इसलिए मैंने, और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा इसलिए मैंने डाला है। आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालें। तो यहाँ हमारी रबड़ी बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी है, तो इसे उतार लेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से फ्री हीट करेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैं रिफाइन ऑयल ऐड कर दी हूँ, आप घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ ऑयल जो है बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसे कर लेंगे इसके अंदर फ्राई। तो जितना ब्रेड आए उतना ही आप डालें और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। आप चाहें तो, आपको ऑयल ज़्यादा पसंद ना हो तो आप इसे तवे पे
या पैन वगैरह में सेक भी सकते हैं गोल्डन ब्राउन सा। तो देखिए अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेना है, इसके कलर बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हाई मीडियम फ्लेम आपको जैसा फ्लेम होना चाहिए आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसी तरह से फ्लेम पे फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन। मैं यहाँ हाई फ्लेम पे ही कर रही हूँ। बिल्कुल इसको टोस्ट की तरह फ्राई कर लेना है, जैसे टोस्ट का कलर होता है। तो यहाँ ये हो चुका है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करना बहुत ही इजी है। तो यहाँ मैंने जितना ब्रेड लिया था सारे ब्रेड हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो यहाँ कर दूंगी गैस को ऑफ और इसे भी निकाल लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड को फ्राई कर ली हूँ। यहाँ मैंने गैस को वापस से ऑन करके उसके ऊपर से एक पैन रख दी हूँ। यहाँ जो चाशनी है उसको मैं छानते हुए इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने सारी चाशनी को पैन के अंदर डाल दी हूँ और यहाँ कर दूँगी फ्लेम को हाई। हमें चाशनी को गर्म करना है और इसके अंदर आपको ऐड करना है फ्रूट कलर, तो ऐड करें, नहीं तो आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं, बट कलर अच्छा है इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ फ्रूट कलर ऐड करूँगी। तो यहाँ चलाते हुए इसको मिक्स कर देंगे। देखें इससे कलर कितना बढ़िया आया है। यहाँ हमें चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी चाशनी बनी हुई है, बस हमें थोड़ा सा इसे गर्म कर लेना है। तो यहाँ जो चाशनी है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो इसे मैं उतारती हूँ और यहाँ एक पैन रखूँगी। पैन को अच्छे से गर्म करेंगे। तो यहाँ पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी और थोड़ा सा दूध में ये जो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था उसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखें ये दूध जो है हमारी हल्के से गर्म है, तो मैं ये कस्टर्ड पाउडर जो मिक्स की हूँ इसे भी दूध के अंदर ऐड करूँगी और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के जो दूध बचे हुए हैं उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें लम्स ना बने अच्छे से चलाते हुए इसको पका लेंगे। तो देखिए ये बहुत जल्दी से गाढ़ा होने लगा है क्योंकि दूध हमारा ऑलरेडी पहले से ही गर्म था। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी इजी इजी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को आप देखा करें, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़ाया नहीं होगा। इससे क्या है बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो यहाँ कर देंगे फ्लेम को ऑफ़ और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ ऑफ़ कर देंगे और ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे और गाढ़ा हो जाएगा। सबसे पहले ये जो मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है जो मैंने बनाया है दूध में डालकर कस्टर्ड पाउडर का, उसे इसके अंदर ऐड कर देंगे प्लेट के अंदर। तो यहाँ चारों तरफ इसे फैला देंगे अच्छे से। अब ये जो ब्रेड है एक एक ब्रेड चाशनी के अंदर ऐड करेंगे। आपने चीनी डालना हो तो आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं इसको बनाते टाइम। तो इसमें पहले ही से दो चार आप डाल दीजिए और निकाल निकाल कर इसके ऊपर रखते जाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर रखते जा रही हूँ। आपको जिसमें भी डेकोरेट करना है आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में करें। मुझे वो प्लेट थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने छोटा ले ली हूँ। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले ये जो रबड़ी बनाई हूँ इसे लगाऊंगी। ये सारी मैंने चाशनी में डिप कर ली हूँ। तो आप
अपने फैमिली के हिसाब से बनाएं, या आपके घर कोई भी गेस्ट आता हो आप बनाएं और ज़रूर खाएं और अपने फैमिली को अपने गेस्ट को खिलाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। शाही टुकड़ा बनाने का बहुत इजी तरीका है ये। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा से इस पे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दूँगी क्योंकि अंदर भी तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आना चाहिए, ऊपर से तो सब चीज़ हम अच्छे से ही डेकोरेट करते हैं। तो इसको अच्छे से लगा देंगे और उसके बाद से ये जो मैंने एक्स्ट्रा ब्रेड बना के रखे हैं ये तो ठंडे हो चुके हैं, उसे इसके ऊपर से लगा देंगे। तो यहाँ मैंने सेट कर ली हूँ, तो ये जो बचा है ये नीचे डालना था, तो इस प्लेट में तो मैं नीचे नहीं डाल पाई हूँ, बट इसको किनारे किनारे से मैं नीचे कवर कर दूँगी। ऊपर डालें या नीचे, इसका टेस्ट तो आने ही वाला है बहुत ही अच्छा सा, क्योंकि इसकी फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। और जो रबड़ी बची हुई है मैं ऊपर से लगा दूंगी क्योंकि रबड़ी हमारी बची हुई है, तो इससे इसका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ रबड़ी से भी मैंने इसे सजा दिया है। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट आप इसके लिए बिल्कुल बारीक बारीक सा काटें, जैसे मैंने कटिंग किया है, मैंने तो चॉपर से चॉप किया है। आजकल बहुत ऑनलाइन ड्राई फ्रूट का चॉपर मिल रहा है, ऐसे भी ऑफलाइन भी मिल रहा है, तो आप उसे ले लें। इससे क्या है जब जाता है मुंह में तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ थोड़ा सा टूटी फूटी से भी इसकी गार्निशिंग कर देंगे। आप चांदी का वर्क लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ, है मेरे पास मगर मुझे लगा नहीं लगाना चाहिए तो मैंने स्किप कर दी हूँ। आपने लगाना हो तो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ सारी टूटी फूटी और सारी ड्राई फ्रूट से इसको अच्छी सी गार्निशिंग कर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा शाही टुकड़ा कितना अच्छा नज़र आ रहा है और बहुत ही टेस्टी। मैंने जो इसकी रबड़ी खाई है अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं कब खा लूँ इसे। तो जिसको जिसको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। जो न्यू है मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर।